जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में 44 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गुस्से में है। हर कोई इस नापाक हरकत का बदला लेने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कहा है कि हमने सुरक्षा बलों को पूरी जिम्मेदारी दे दी है, हमें उनकी वीरता और बहादुरी पर पूरा भरोसा है। तो चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा आज सुबह की मीटिंग के बाद। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है, पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। शहीद जवानों को पूरे देश में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस हमले को लेकर हमारे संवाददाता ने ब्रिगेडियर प्रदीप हेदू से भी बात की, जिसे सुनना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। अगर इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स आया है तो किसने लाया है? आतंकवादियों ने लाया, और अगर आतंकवादियों ने लाया तो हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है? क्या उनको पता नहीं था? और अगर नहीं पता था तो ऐसी सुरक्षा एजेंसी फेल है, ऐसी सुरक्षा एजेंसी को हटाना चाहिए। दूसरी बात, पिछले बार उड़ी में हमला हुआ, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, चुनावी मुद्दा बनाया और इसके चलते आपने इलेक्शन जीते। क्या सेना का इस्तेमाल आप इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं? क्या सेना के जवानों को आप मार रहे हैं ताकि आप इलेक्शन जीतें? शर्म की बात है। आप देश की सोचिए ना कि अपनी सत्ता की सोचिए। इसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या हो सकता है कारगिल जैसी स्थिति बनाई जाए ताकि अभी लोकसभा चुनाव के पहले फिर वाहवाही लूटे। ये ध्यान रखिएगा, जो लीडर है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आप सत्ता में अगर आते हैं तो आप जवानों के चिताओं के ऊपर से सत्ता में आएंगे।